क्या आप बनना चाहते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर? तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको बेस्ट और एक्सक्लूसिव स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो मिले सबसे पहले। हमने EasyPlan App खोल लिया है, ओपन कर लिया है, और यहाँ पर अब मैं जो है अपना एक गोल बना रहा हूँ। तो यहाँ पर EasyBOT है जो आपके साथ चैट करेगा और आपके लिए गोल सेट करेगा। तो आप अब जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे को इमरजेंसी फंड के लिए एक अपना गोल अचीव करना है, तो मैं अपना इमरजेंसी फंड का एक गोल बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो वेकेशंस के लिए बनाना चाहते हो, होम के लिए बनाना चाहते हो, कार के लिए, आप किसी के लिए भी अपना यहाँ पर गोल सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए इमरजेंसी फंड में एक गोल बनाऊंगा। तो अब ये पूछ रहे हैं इमरजेंसी फंड में, हाउ मच डू यू स्पेंड ईच मंथ अप्रॉक्सीमेटली? तो यार अपने मंथली एक्सपेंसेस आपको बताने हैं, तो मैं यहाँ पर अपने मंथली एक्सपेंसेस इनको बता रहा हूँ 500 रुपीस। तो इस तरीके से जैसे ही मैं 500 लगाऊंगा, तो ये बोल रहे हैं कि सेलेक्ट हाउ मच डू यू वांट टू सेव इन टोटल फॉर इमरजेंसीज। तो इस टाइम मैं चाहता हूँ कि मैं 1500 अपने सेव करना चाहूँगा। डू यू वांट टू सेव एवरी वीक और एवरी मंथ? तो इसमें आपके पास दोस्तों ये आपसे दो ऑप्शन देंगे, वीकली या मंथली। तो मैं वीकली सेव करना चाहूँगा। तो अब ये कह रहे हैं कि या तो आप 112 रुपीज सेव कर सकते हो अपनी 5% ऑफ इनकम, 225 या 337। तो मैं फिर जो है 112 का अपना सेविंग करना चाहूँगा पर वीक। तो यहाँ पर अब मैंने कर दिया है। तो अब ये कह रहा है योर इमरजेंसी फंड विल बी रेडी इन 4 मंथ, मींस मतलब मैं अपने 1500 जो है 1500 प्लस कुछ परसेंट रिटर्न जो है 4 महीने के अंदर मैं अपने सेव कर जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं करूँगा सेव गोल। अब जैसे ही यहाँ पर सेव गोल होंगे, तो इनकी तरफ से अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। अब ये कह रहे हैं ग्रेट जॉब सेटिंग अ गोल, हियर्स अ सरप्राइज फ्रॉम अस। तो अब जो है ये मैं स्क्रैच करता हूं, तो देखते हैं क्या सरप्राइज हमें मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर हमारे को जो है 175 रुपीस का जो है एक सरप्राइज मिला है EasyPlan App की तरफ से। तो इसमें देखते हैं हम ये कब विड्रॉ कर देंगे। तो ये हम कब विड्रॉ कर पाएंगे, जैसे ही हम अपने गोल इसमें अचीव कर लेंगे। तो अब ये कह रहे हैं वी विल सेंड यू रेगुलर रिमाइंडर्स। तो इसके लिए जो है यू कैन स्टार्ट विद 100 पेमेंट, देर आर नो, अच्छा ये बात इसकी खास क्या है कि कोई भी पेनल्टी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें कोई भी पेनल्टी नहीं देनी अगर हम कोई मिस भी कर जाते हैं। तो चलिए अब कहते हैं विल आई अर्न रिटर्न। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है यू कैन एक्सपेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 इन द रिटर्न, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 गुना इसमें पैसा आप कमा सकते हो। बैंक जो सेविंग्स बैंक आपको रिटर्न देता है उससे आप ज़्यादा ही कमा पाओगे इसमें। तो अब बात आ जाती है कि कहाँ पर ये इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ ICICI प्रूडेंशियल लो रिस्क लिक्विड म्यूचुअल फंड में। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ स्टार्ट। तो अब ये कह रहे हैं टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड योर KYC नीड्स टू बी कम्प्लीटेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें KYC भी आपकी कंप्लीट होगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना पैन नंबर इसमें टाइप करना है। तो ये मैं अपना पैन नंबर टाइप कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। तो अब जो है ये कह रहे हैं आवर रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अ म्यूचुअल फंड KYC बिफोर। जैसे कि दोस्तों मैं एक KYC पहले ही अपनी करवा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने कहीं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करा हुआ है, तो हमें दोबारा KYC की नीड नहीं है। तो अगर आपने नहीं करवाई तो ये आपकी KYC अभी कर देंगे। अब जो आ जाता है वी जस्ट नीड अ बिट मोर इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट योर अकाउंट ओपनिंग फर्स्ट, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। तो मेरे को यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है, तो यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दूंगा और ये मैं कर दूंगा सबमिट। तो अब ये कह रहा है वुड यू लाइक टू बी अ नॉमिनी, अगर आप चाहते हो कोई नॉमिनी बनाना। अब जैसे कि दोस्तों 4 मंथ्स की, तो मैं कोई भी नॉमिनी नहीं बनाना चाहूंगा, बट आप नॉमिनी जरूर ना है ये मत सोचिए, नॉमिनी होना एक बहुत ही जरूरी है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप इज टू कनेक्ट द बैंक अकाउंट यू विल सेव फ्रॉम, जहां से हम सेव करेंगे। तो अब आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहां पे डिपॉजिट मतलब टाइप करना है। तो यहां पर हमें अपना जो है बैंक अकाउंट नंबर टाइप करना है और उसके बाद सबमिट करना है। तो दोस्तों यहां पर मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर टाइप कर दिया, इसके बाद वो बैंक का IFSC कोड बोल रहे हैं। तो आपको IFSC कोड मिलेगा दोस्तों अपनी चेकबुक के ऊपर या बैंक पासबुक में, और यहां पर मैंने अपना प्लीज एंटर अ वैलिड IFSC कोड। दोस्तों एक बार IFSC कोड आप बिल्कुल चेक कर लेना अगर वो सही है या नहीं है। और यहां पर अब मैंने दोबारा से अपना IFSC कोड जो है वो टाइप करा, तो ये इस बार सही है। तो अब मेरे को बताना है कि मेरा कौन सा अकाउंट है। तो मेरा इस टाइम जो है सेविंग्स अकाउंट है, तो आपको टाइप करना है
तो अब ये कह रहे हैं थैंक्स प्लीज एंश्योर दैट एनी अमाउंट यू सेव विद इजी प्लान इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस बैंक अकाउंट ओनली, अदरवाइज योर ट्रांजेक्शन विल बी रिजेक्टेड बाई ICICI. तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा, ओके कर देते हैं इसे. सो गाइज ये मेरी सारी डिटेल्स आ गई है, तो अब मेरे को इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, तो मैं इसको सबमिट कर दूंगा. तो अब देखते हैं इनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है. तो अब ये कह रहे हैं OTP has been sent ICICI, तो अब देखते हैं क्या हमारा OTP है. तो अभी तक दोस्तों कोई भी OTP नहीं आया है. सो गाइज OTP आ चुका है. तो अब ये आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर लिक्विड म्यूचुअल फंड अकाउंट वॉज ओपन सक्सेसफुली, यू आर नाउ रेडी टू स्टार्ट सेविंग मनी. तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट सेविंग नाउ. तो जैसे ही दोस्तों हमने स्टार्ट सेविंग नाउ करा, तो अब देखते हैं ये हमें किस पॉइंट पे लेके जाता है. इट टेक्स टाइम फ्रेंड्स, सो बी पेशेंट. तो स्टार्ट सेविंग नाउ एक बार दोबारा से करेंगे. तो कंप्लीट सेविंग करते हैं इमरजेंसी फंड के लिए. तो मैं अभी इस टाइम जो है नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर देता हूं. तो गाइस इसमें आपके पास UPI का ऑप्शन है पेमेंट के लिए, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, और अपना डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए. तो गाइस यहाँ पर मैंने कंफर्म कर दी है पेमेंट, और अब देखते हैं क्या कंफर्मेशन आता है हमारे को. सो गाइस यहाँ पर आगे है सेविंग्स कंप्लीटेड, योर सेविंग्स हैव बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड टू ICICI, दे विल इश्यू योर लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड यूनिट शॉर्टली. तो गाइज यहाँ पर हमने सेविंग्स अपनी कंप्लीट कर ली है, और हमारे को जो ये यूनिट्स वो जल्दी अलॉट हो जाएंगे. तो गाइज ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे आपने जो है अपना इमरजेंसी फंड के लिए या कोई भी म्यूचुअल फंड के लिए अपने गोल्स जो है अचीव करने हैं एक ऐप के थ्रू, EasyPlan ऐप के थ्रू, जो इन्वेस्ट करती है लो ड्यूरेशन जो है डेट फंड में इन्वेस्ट करती है, और जिसमें काफ़ी कम रिस्क है. तो गाइज अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करें और इस ऐप को इंस्टॉल करें, और हमें फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो के बाद आपको कौन सी वीडियो और चाहिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद.